ओम शांति। आपको स्वागत है आज के 22वें जून के ईश्वरीय वरदान में। हम 22वें जून के ईश्वरीय वरदान और साथ ही साथ 23वें दिन का, जो कि 23वें जून के ईश्वरीय वरदान, दोनों की रिकॉर्डिंग करेंगे। एंड ये दोनों रिकॉर्डिंग्स आपको कल मिलेंगी, कल मतलब 24 जून को सुनने के लिए मिलेंगी। तो आज परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम बुराई में भी कुछ अच्छाई को ढूंढें और उसमें से भी हम अपने आप को आगे बढ़ा करके नंबर 1 बने। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूरत भवा। एक्सपीरियंस, अनुभव ही हमें आगे बढ़ाता है। तो परमात्मा कहते हैं, चाहे सारी बात बुरी हो, सब कुछ नेगेटिव दिख रहा हो, लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है पेशेंस। कभी कभी हमें पेशेंस नहीं होती, लेकिन कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है, कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें पेशेंस सिखा के चला जाता है, या वो सिचुएशन सिखा के चली जाती है। दूसरा आवेश कर रहा हो, आवेश मतलब आपको फोर्स कर रहा हो कि नहीं, ये तो आपको करना चाहिए था, आपने ये किया नहीं क्योंकि आपके अंदर ये कमी है, ये गलती है, आपने ऐसे नहीं किया, आपको तो करना ही चाहिए था, आपने समझा नहीं इस बात को, आपको फोर्सफुली करा रहा हो कर्म। तो उस समय क्या कर रहे हैं आप? आपको नेगेटिव दिख रहा है चारों तरफ। उस समय आपने क्या सीखा? और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो। इसलिए कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। कोई आपको फोर्स कर रहा है, आपको जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन आप पेशेंस से, सहनशीलता से उसको सहन कर रहे हो, और आप जो कार्य सही है उसी को कर रहे हो, चाहे वो आपको धिक्कार रहा हो, आपको गलत बोल रहा हो, आपके ऊपर लालचन कर रहा हो, लेकिन आपने जो सही है उसी मार्ग पर चले। तो आपने उस समय पेशेंस सीख ली, सहनशीलता सीख ली, और साथ ही साथ आप एक कदम आगे बढ़ गए। इसलिए कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। लेकिन इसकी जगह अगर आपने उसमें अहंकार ला करके उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करी, या आप टकरा गए उस व्यक्ति से, आपने सहनशीलता छोड़ दी, आपने धैर्यता छोड़ दी, और आप टकरा करके उस व्यक्ति के साथ में बहसबाजी में लग गए, तो फिर आपने कुछ सीखा नहीं, आपने वो अनुभव नहीं किया, आप बढ़े नहीं आगे, आप ग्रो नहीं करे आगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को ना देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। बुराई को ना देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। इतना ही फर्क रहता है। इसको कहते हैं वृत्ति या एटीट्यूड। जो लोग आगे बढ़ जाते हैं और जो लोग पुरानी बातों को, इंसल्ट्स को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो हम किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर पुरानी आदत है इंसल्ट्स को पकड़ के बैठना? किसी ने फोर्स किया, जबरदस्ती किया, तो हम क्रोध में आ गए, आवेश में खुद ही आ गए। क्या हम, अगर ये अगर आदतें हैं तो इनको हटाने के लिए ब्रह्म कुमारी इसमें आकर के मेडिटेशन सीख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं ज्ञान के द्वारा। इसके साथ ओम शांति।